صلاتم وسلاما عليك يا رسول الله صلاتم وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया और तमाम दिलों को पैदा फरमाया, तमाम दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा मुबारक का पुत्र सैयदुल अय्याम करार दिया कि तमाम दिनों का सरदार है। इस मुल्क की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशारत फरमाते हुए बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है कि जिस दिन सूरज में तुलू किया यानी जिस दिन पर सूरज निकला उन दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमा का है। पूछा गया सुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमा के दिन की फजीलत और अफजलियत इतनी ज्यादा क्यों है? फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने जमीन और आसमान को छह दिनों में पैदा फरमाया दोशंबर मंगल चार दिनों में अल्लाह तबारक तआला ने जमीन को पैदा करवाया और जुमा जुमरात और जुमा दो दिन आसमान को पैदा करवाया और जुमा में असर और मगरिब के दरमियान में सैयदुना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीर फरमाई। जो जुमा इस एतबार से अफजल है कि अंबिया फरमाते हैं कि अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुई, इसलिए जुमा अफजल है। और जुमाने के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल फरमाया, इसलिए जुमा तमाम दिनों में अफजल है। और जुमाने के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तू बेटे जन्नत से नीचे उतरो तो जन्नत से जमीन पर उतरने का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया वो जुमा का दिन है। और अल्लाह तबारक तआला ने जुमा के दिन को फजीलत इतनी बख्शी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जुमा और जुमेरात की शब के दरमियान में जो मोमिन या मोमिना बंदा या बंदी इंतकाल फरमा जाए तो अल्लाह तबारक तआला उसकी मगफिरत फरमा देता है। और फरमाया कि जुमा के शब से लेकर जुमा का दिन गरीब होने से पहले पहले जो सूरह कहफ की तिलावत कर ले अल्लाह तबारक तआला उसके लिए दो नूर पैदा फरमाता है जो उस जुमा से लेकर उस जुमा तक जुमला अमराज जुमला परेशानी जुमला बलियात अकाब जुमला मुसीबत और हासदून बाकी जालिमीन तुम सब के नजर बद से आसर में रोजगार से अल्लाह ताला महफूज रखता है। तो आप चाहते हो कि हमारा कारोबार अच्छा चले, दुनिया वाले
हम पर जो है नजर न लगाए और आप कामयाब रहे तो जुमा के दिन आप जुमा से पहले या जुमा के बाद सूर्य का कबूल पड़ा कीजिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं जो सूर्य कहा पड़ता है ऐसे बंदे अल्लाह तबारक व तआला पर जान से महफूज रखता है और उसके रोजे में बेहिसाब बरकत देता है। और क्या चाहिए इंसान को? इंसान को ये चाहिए कि दुश्मनों से हिफाजत रहे, इंसान को ये चाहिए कि अल्लाह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए, रोजी हराम दे, तो उसके लिए आप कुछ करेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला आपके रोजी को बेहतर बनाएगा। दूसरी तरह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी अल्लाह करीम अल्लाह हबीब अल्लाह ونبينا مولانا محمد وبعد وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من ربکم نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آ گیا ایک نور، کتاب مبین اور روشن کتاب۔ اگر یوں فرماتا قد جاءکم من اللہ کتاب مبین تو یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا، کیونکہ کلام الہی پہلے کا بعد میں بعد کا پہلے ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار کل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مزاج انسان کو رکھتا ہے کہ انسان کو ہمیں جو آنکھ دیا ہے، سوچ سمجھ دیا ہے، ہاتھ میں پیر دیا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہترین پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا ہے، انسان کا نظریہ اور انسان کا نظریہ یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے لیے پیدا کرنا، میرے دیشوں میں پیدا کرنا، میرے بائیں پیدا کرنا، میرے دیشوں میں پیدا کرنا، میرے ملک میں پیدا کرنا۔ اب بتاؤ
चाहिए कि जब हर तरफ से रोशनी आ गई तो आप चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, हर जानवर से जब रोशनी है तो कई परेशानी होगी, कई सारा होगा, कोई दवा कहां कहा होगा, जब आप तक रोशनी होगी तो आया कहां होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसने अखबार का दावा नहीं था, जब हर तरफ से रोशनी है तो उजाला हर तरफ है, अंधेरा तो नहीं है, तो फिर साया कहां से होगा। मुफस्सिर किराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की शान कि आपके जिस को बेसाया इसलिए पैदा फरमाया कि कहे वो बदबूदार बदबूदार बनाने बदबूदगी और बदतौबगी और आपका दुश्मन कई दुश्मन की वजह से आपका जो दुष्ट है सच्चा नहीं कई आपके साय मुबारक पर पैदा होते अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत इंसानों के रहने में जो बात आने वाले थी वो चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महसूस करवाया कि आपका दुश्मन न तो कानून से भी मुकाबला कर सकता है न किसी से मुकाबला कर सकता है न दाएं कर्म और हो सकता है न किसी कर्म और हो सकता है न दाएं से न बाएं से किसी का भी कर्म और नहीं हो सकता है तो कभी तवज्जो इस तरीके से ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुकद्दर जिस्म को एक साया बनाया ताकि इस बदतमीजी से इंसान अपने अंदर के रखे बदतमीजी मगर बदतमीजी का फायदा ना उठा होता है। आप जो पत्यता के लिए हुआ नबी को उन्नति कहते हैं मतलब से चरण हसर कीना दोष क्या चांद ये दिल में कुल कुट भरा है और अपने के मुसलमान कर दे तो ये हो सकता है या तो वापस हो सकती है या दुश्मन हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी की मोहब्बत जिलाने को भी आगे अल्लाह ताला महत्व रसूल ने हमें बुलाए बोलिए मुसलमान के आगे नहीं बोलो बल्कि तो बकरूंगा कुछ बनाओ अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महत्व में कयामत के मैदान में मशहूर हमें पहले से उठाए और उनके महत्व में हमें जन्नत में दाखिल करवाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हम बच्चा अपने मामले में पैदा होता है रोते रोते पैदा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए पैदा नहीं हुए। आज का डॉक्टर आज का हकीम आज का सबसे बड़ा और मां से कहा माहू कहता है कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक ये समझा जाएगा कि उसके अंदर कोई ऐब है कुछ कमी है कुछ कानून है। रोक करके इस बात की गवाही देता है कि मैं जिंदा हूँ सुनने वाला हूँ देने वाला हूँ मेरा धर्म रखना है मेरा भी फिर से रहा है मेरा धर्म भी फिर से रहा है मेरे जुबान भी फिर से रहा है मैं किराया भी हूँ हर आयब से अल्लाह ने मुझे साफ सुथरा पैदा किया। लेकिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं कि रोते रहे हैं अपने मुकद्दस परेशानी को जमीन पर रखे हुए और दरवाजे रखते हुए मती अपने
मुद्दत के शादी को जमीन पर रख करके ये फरमा रहे हैं कि अभी तक अंबिया के नाम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हम जगह नमाज नहीं कर सकते थे, हम जगह मस्जिद नहीं बना सकते थे। जहां पर उनके अंबिया मस्जिद बनाते थे वहीं पर उनकी नमाज होती थी। अल्लाह के रसूल ने सजदा करके ये ऐलान करवा दिया कि अब उम्मत मुहम्मदिया के लिए चार दीवारी वाली मस्जिद की जरूरत नहीं, बल्कि जहां पर वक्त नमाज आ जाए, चाहे वो समंदर पहला में हो, चाहे जहाज में हो, चाहे परिपथ पर हो, चाहे स्टेशन पर हो, चाहे पहाड़ों पर हो, कहीं पर भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह पर अल्लाह के रसूल के इलाके में पाक पैदा करवा दिया है कि इस जगह से आप कई तैयारियां कर सकते हो, आपका तैयारी हो जाएगा, आप कई हाथ आपके नमाज हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को पाक पैदा करवाया है कि हर जगह हमारी नमाज हो जाएगी, हमारा सजदा किसी चार दीवारी का मैदान नहीं है। ये और है कि हम मस्जिद के तकद्दस को और उसकी अजमत को पालन करने के लिए हम मस्जिद बनाते हैं, लेकिन हमारी नमाज हमारा सजदा किसी चार दीवारी का मैदान नहीं है। तो मेरे पत्र से अल्लाह के बारे में तुम्हारे पास नहीं आया, तो अल्लाह तआला के ताला के रसूल से लगे आ रहे हैं तो अल्लाह ताला तो तुम्हें मुतला कर अपने भाषा में आप अपने इस्तेमाल में समझते हो आ रहे इसका मतलब कोई थे बात याद है ये तो हो गए मैं कहूँ अगर मैं गाँव से आया आज पैदा हुआ हूँ कि आज मैं गांव से आया, क्या सब बोले हाँ गांव से आए ये आज पैदा हुआ। तो अल्लाह के रसूल से रसूलों कि अल्लाह परमात्मा पर जा अपनी मंगवा ले तुम्हारे पास अल्लाह की आयत से मेरे आ गया, मतलब ये आज करके बस अपीदा बदलाव करते हो कि रसूल अल्लाह को 40 साल के बाद नबूवत मिली, ये बदतमीजी है, तुम्हारी बदतमीजी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिले नहीं, अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं कि मुझे रात में उठने की आदत थी, मैं नबी था और आदम अलैहि पैदा हुए थे, अमन बशर भी बन रहे हैं और हमारे नबी था, ये बदतमीजी मेरी कहां चलेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं नबी था और आदम अभी पैदा हुए थे, आदम पैदा होने के बाद में अभी आपका खमीर पीना जा रहा और मैं नबी था, इसका मतलब ये हुआ कि नबी के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी नहीं, अभी इंसान पैदा नहीं हुआ है, फिर पैदा होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते तुम तो नबी के बाद है, मैं लंबा व्यक्ति मैं नबी था, आदम हवा में था, ये और बात है वो हर आदम के औरत है, किसी आदम में रह जाते उनकी मेहरबानी होती, ये आलम पसंद आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जमीन पसंद आई, वहां 18,000 आलम में कहीं भी रह सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बसाने के लिए हजरत आदम अलैहि सलाम ने फरमाया जन्नत से तुम जमीन पर जाओ, वहां से भैया कोई मिले नहीं,
इसलिए मिट्टी से भरे हो, मिट्टी पर रहो, कोई सही है जीव आश्रय नहीं, हर चीज अपने आश्रय की तरफ लौटती है। तो मिट्टी से भरे हो, मिट्टी पर जाओ, वही सुख मिलेगा, वही खाना मिलेगा, वही जिंदगी मिलेगी, वही बंदगी मिलेगी और वही पर तुम्हारे नस्ल जो है बहरेगी फैलेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे पैदा होते हैं तो आप जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसका आपने निर्धारण किया होगा, कोई बच्चा साल भर में चलना चलता है, कोई बच्चा जो है 8 महीने तक टेकने लगता है, खा होने लगता है, कोई बच्चा साल भर के बाहर चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब 7 महीने के हुए तो दीवार पकड़कर चलने लगे, 7 महीने के हुए तो दीवार पकड़कर चलने लगे, 8 महीने के हुए तो फिर डरने लगे, भागने लगे। ये आपका बच्चा आप जो पैदा होता है आपका मुशाहदा है, कितने दिन में चलता है, कब दौड़ा में गिरता है, कब दौड़ता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीने के हुए तो दीवार पकड़कर चलने लगे और 8 महीने के हुए तो फिर डरने लगे। आम बच्चों की जिंदगी से अलग क्यों, आम रविश से अलग रसूल क्यों? तो तफसीर इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 7 महीने में दीवार पकड़ कर इसलिए चल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जानते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, कितने हैं बोलो भाई, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, तो जल्दी इसलिए हो रहे हैं 7 महीने में इसलिए कर रहे हैं कि अपने उम्मत के लिए 7 जहन्नम के दरवाजे बंद कराना है, इसलिए 7 महीने में आप चले लगे और 8 महीने में तेज दौड़ रहे हैं और जन्नत के दरवाजे 8 हैं। तो अपने उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलाना है, इसलिए रब्बुल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 महीने में तेजी से चलने लगे। तो आपकी ये रविश बता रही है कि आपने उम्मत के लिए कितने बड़े तैयार हैं और उम्मत इतने बड़ा है कि नदी के बारे में बदतमीजी करती है, नदी के बारे में बहुत बुरे ख्यालात बुरे अतकाद रखती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना के भेजा है। तुम कितना भी दुश्मनी रखो, कितना भी जल हसद कीना रखो, कितना भी मिटाने की कोशिश करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है रफ्ता नाम बता सिद्रा, हमने आपके जिक्र को आपके लिए धर्म कर दिया है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है तो ये इंसान जो व्यक्ति से बना है ये उसको भटाना चाहे तो कैसे भटा सकता है। इलाही ने फरमाते हैं कि भटाने से किसी के न घटा है ही घटे, जब पढ़ाए तो ये अल्लाह तआला तेरा वाह क्या जो वो करे वो शहे बता तेरा, सुनताही मांगने वाला तेरा। प्यारे मुस्तफा के बारगाह में को मांग करके देखे वहां नहीं कल नहीं, जो भी आया वो रोटी मांगने आया रोटी दे दिया, बांगे मांगने आया बांगे दे दिया, गुलाम मांगने वाला आया गुलाम दे दिया, और पाल मांगने वाला आया माल दे दिया, जो मांगने वाला आया उसको दे दिया। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह में मुस्लिम और रसूल सोरे तौबा है दसवा पारा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अरे लोगों तुम्हें अल्लाह उसके रसूल ने गनी कर दिया, तुम मोहताज थे अल्लाह ताला ने तुम्हें मालदार कर दिया।
कि अल्लाह ताला ने ईमानदार कर दिया, रसूलुल्लाह ने भी ईमानदार कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो है जिनको अल्लाह ने हर चीज का मालिक मुख्तार बनाया, जिसे चाहे दे जो चाहे दे और जिसे चाहे मना कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और आदमी जहां मिलता है वहीं पर जाता है। अरे हम चंदा लेने के लिए रमजान में नहीं जाते हो जहां पर लोग उसे चंदा देते हैं, जिसे वो जाते ही नहीं जाने चंदा में देते हो। और आपके पास जब भी आएंगे तो आप ये ना कहेंगे मौलाना आ गए, अरे जो कुछ होगा देंगे। तो आदमी कहां जाता है, जहां पर माल हो वहीं जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है माल बढ़ता है मगर वो बढ़ता नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि इसका माल उस जगह इसमें वो बंदा होते हुए नहीं देता। मगर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा है कि खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई नफर नफर जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां नहीं तो वहां नहीं। प्यारे मुस्तफा का डर वो है जो फर्ज हो तो वही ना कर दे, सुन्नत हो तो वही ना कर दे, वाजिब हो तो वही ना कर दे, मुस्तहब हो तो वही ना कर दे। जो वहां नहीं तो कहीं नहीं, और कोई डर है ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बच्चे का मालिक बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के